नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोंडिस थ्रूपुट कैसे निकाला जाता है और टोंडिस थ्रूपुट निकालने का फॉर्मूला क्या है। सो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो 1% भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल्स में एक एक पॉइंट को फॉर्मूला एंड कॉन्स्टेंट के थ्रू कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टोंडिस थ्रूपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, टोंडिस थ्रूपुट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है q = 0.97 × a × d × 0.06 × √2 × g × h/1000। दोस्तों, फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, सो अगर आप लोग इसे एक या दो बार रिवाइंड करेंगे तो सिंपली आप इसे याद कर लेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसमें जो कीवर्ड दिया गया है उसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, फॉर्मूला में सबसे पहले क्यू लिखा है, जो हमारा टोंडिस थ्रूपुट है एंड इसे हम फॉर्मूला के थ्रू निकालने वाले हैं। उसके बाद है ए, ए हमारे नोजल का एरिया है एंड ए की जगह पर हम जो नोजल साइज यूज कर रहे हैं उसका एरिया जो होगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसे हम पुट करेंगे। उसके बाद है डी, डी हमारे स्टील की डेंसिटी है। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि डेंसिटी ऑफ स्टील क्या है, तो डी की जगह पर हम जो लिक्विड स्टील कास्ट कर रहे हैं अपने कास्टर पर, उसकी डेंसिटी की वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद है जी, जी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी उसे पुट करेंगे। उसके बाद है एच, एच हमारा फेरोस्टेटिक हाइट है। जिन्हें नहीं पता है कि फेरोस्टेटिक हाइट क्या होती है, तो मेरे चैनल पर अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट के ऊपर वीडियो अपलोड है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड मैं अपने इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग फेरोस्टेटिक हाइट की वीडियो की लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला में कुछ छोटी छोटी वैल्यू और भी दी गई हैं, जैसे कि 0.97 एंड 0.06 एंड 2, तो ये हमारा कांस्टेंट है। एंड दोस्तों, फॉर्मूला में हमने जो ए, डी एंड एच की जो वैल्यू पुट की है वो एक एग्जांपल के तौर पर ली है, आप इसे अपने प्लांट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कैलकुलेशन के दौरान। हमने जो फॉर्मूला में नोजल साइज लिया है वो 13.5 mm का है और इसका जो एरिया है वो 143.06625 square mm है, जो हमारे ए की वैल्यू है। और डी यानी कि डेंसिटी जो हमने ली है वो 7200 ली है। वैसे तो स्टील की डेंसिटी 7850 kg/m³ होती है, पर हम लिक्विड मेटल को कास्ट कर रहे हैं, सो स्टील की डेंसिटी 7200 फॉर्मूला में पुट करेंगे। और जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने कंसीडर करने के बाद फॉर्मूला में पुट किया है, उसकी वैल्यू है 9.8। उसके बाद लास्ट में है एच, यानी कि फेरोस्टेटिक हाइट, जो हमने एक एग्जांपल के तौर पर लिया है 650 mm। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन सभी वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं और देखते हैं कि 13.5 के नोजल से एक मिनट में कितना केजी मेटल निकलता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम कैलकुलेटर में आ चुके हैं। सबसे पहले हमारा कांस्टेंट है 0.97 × a, यानी कि नोजल एरिया 143.06625 × d, यानी कि स्टील की डेंसिटी 7200 × 0.06, ये हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद हमें एक छोटी सी वैल्यू मिलेगी जो होगी 599504814, एंड इस वैल्यू को आप कहीं पर नोट कर लें
अब स्क्वायर रूट वाले पार्ट को कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 9.8 इंटू स्क्वायर रूट, उसके बाद 650, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000। अब हमें एक नई वैल्यू मिलेगी, यानी कि 3.56931365 95। अब फर्स्ट वाली वैल्यू को सेकेंड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे कि 599504814, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। उसके बाद इंटू 3.56931365 95, ये हमारी सेकेंड वैल्यू है। उसके बाद हमें एक फाइनल वैल्यू मिलेगी जो होगी 213.98207215462, एंड यही हमारे क्यू की फाइनल वैल्यू होगी, यानी कि एक मिनट में 13.5 के नोजल से 213.98 केजी मेटल कास्ट होगा समथिंग। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।